सर्वप्रथम भारत की महान ऋषि परंपरा और कृषि परंपरा को नमन करता हूं। भारतीय शिक्षा की अभिनव क्रांति के उद्घोषक, अवधारक और उसके समर्थ संवाहक योग ऋषि पूज्य स्वामी जी की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करता हूं और यहां आप उपस्थित सभी कृषक बंधुओं और भगिनियों को भी उनकी दिव्य उपस्थिति को नमन करता हूं और पवन जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने आपसे संवाद करने के लिए मुझे अवसर दिया है। क्योंकि वैसे तो भारतीय शिक्षा बोर्ड के विषय में परिचर्चा करने के लिए 45 मिनट का समय बहुत कम होता है क्योंकि बहुत ही बृहद विषय है, लेकिन मैं चूंकि भौतिकी का विद्यार्थी हूं, विज्ञान का, तो इसलिए मैं समय को बचपन से ही इरिवर्सिबल एनर्जी मानता हूं कि वो लौटता नहीं, ऐसी ऊर्जा है जो पुनः वापस नहीं हो सकती। इसलिए आपने मुझे 10-15 बुलाया था तो मैं 10-12 पर ही आपके समक्ष उपस्थित हूं, क्योंकि मैं जीवन में पहला ध्येय रखता हूं कि व्यक्ति को पहले स्वयं को अनुशासित करना है तो उसे समय के साथ पहले समायोजित करने की कला सीखनी होगी। भारतीय शिक्षा बोर्ड के विषय में मैं चूंकि 45 मिनट का ही जो समय है उसी में मैं पूर्ण भी करूंगा ताकि एक मिनट भी कोई आपका क्षय ना हो कोई और कार्यक्रम। तो सर्वप्रथम मैं ये बताना चाहूंगा कि भारतीय शिक्षा बोर्ड की वैधानिकता क्या है, ये है क्या बोर्ड और इसकी वैधानिकता क्या है। भारतीय शिक्षा बोर्ड भारत सरकार द्वारा गठित एक स्कूल एजुकेशन बोर्ड है, नेशनल बोर्ड है, जैसे सीबीएसई बोर्ड है उसी तरह का एक भारतीय शिक्षा बोर्ड भी एक भारत सरकार द्वारा गठित बोर्ड है और नियमों के अंतर्गत प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हुए पतंजलि योग पीठ को भारतीय शिक्षा बोर्ड के संचालन का दायित्व दिया गया है स्पॉन्सरिंग बॉडी के रूप। उसको एक ड्यू डिलिजेंस के तहत एक वैधानिक प्रक्रिया ईओआई, एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट होता है, उसके तहत जारी करते हुए अन्य कई लोगों ने उसमें सहभागिता की और सहभागिता के पश्चात सबसे योग्य, समर्थ, विधिमान्य और सक्षम संगठन मानते हुए और पूज्य स्वामी जी और पतंजलि योग पीठ के योग, आयुर्वेद और स्वदेशी की दिशा में किए गए कार्यों की प्रामाणिकता को देखते हुए पतंजलि योग पीठ को स्पॉन्सरिंग बॉडी के रूप में भारत सरकार ने नियुक्त किया। इस बोर्ड में बहुत सारे लोगों के प्रश्न होते हैं कि शायद एक प्राइवेट बोर्ड है, इस बोर्ड में कौन सदस्य हैं, इस बोर्ड की वैधानिक स्थिति क्या होगी, इसकी इंट्रा बोर्ड माइग्रेशन क्या होगा, अर्थात एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड में अगर बच्चा जाता है उसकी क्या स्थिति होगी, उसके प्रमाण पत्र की, या किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयमेंट की किसी योजना में उसके सर्टिफिकेट की मान्यता होगी कि नहीं होगी, या किसी विश्वविद्यालयों में या तकनीकी विद्यालयों में प्रवेश के लिए इस सर्टिफिकेट की मान्यता होगी कि नहीं होगी, ये बहुत ही स्वाभाविक प्रश्न अभिभावकों और स्कूल संचालकों और शिक्षाविदों के मन में स्वाभाविक रूप से उठेगा। तो मैं एक संक्षेप में इसकी प्रामाणिकता बता दिया कि यह भारत सरकार द्वारा गठित बोर्ड है और इसका स्कूल एजुकेशन बोर्ड का जो वेबसाइट है भारत सरकार का, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, अगर इसकी वेबसाइट को देखें आप, क्लिक करिए तो आपको नेशनल बोर्ड की सूची आपको परिलक्षित होगी और उसमें सीबीएसई और एनआईयूएस के साथ साथ भारतीय शिक्षा बोर्ड भी नेशनल बोर्ड
सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूप में उल्लिखित है। इससे पूर्ण वैधानिकता आपको स्पष्ट होगी कि भारत सरकार ने बोर्ड बनाया है। पतंजलि को संचालन के लिए और विजन देने के लिए किया है, और ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसकी संकल्पना विगत 12 वर्षों से पूज्य स्वामी जी ही भारत सरकार के स्तर पर, राज्य सरकारों के स्तर पर, शिक्षाविदों के मध्य करते रहे कि भारत में भारतीय पद्धति और भारतीय ज्ञान परंपरा से अविसिंचित शिक्षा होनी चाहिए। अब उसमें अब एक लीगैलिटी के लिए एक बहुत आवश्यक ये भी होता है, क्योंकि संविधान की समवर्ती सूची में शिक्षा है। तीन तरह की सूची होती है संविधान में, केंद्रीय, राज्य और समवर्ती, कॉन्करेंट लिस्ट। एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में है, इसलिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही इस पर नियम बना सकते हैं, लेकिन केंद्र सरकार के नियम को राज्य सरकारों को बिना किसी ठोस कारण के अस्वीकृत या असहमत होने का कोई अधिकार नहीं होता। चूंकि इस बोर्ड को केंद्र सरकार ने मॉडल बायलॉज के तहत एक प्रक्रिया के तहत बनाया, जिसमें लगभग आधे सदस्य भारत सरकार के, डायरेक्टर एनसीईआरटी, चेयरमैन सीबीएसई और भारत सरकार द्वारा नामित 5 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपति इसके सदस्य हैं भारत सरकार, और जो स्पॉन्सरिंग बॉडी को सदस्य बनाने की छूट दी गई उसमें भी अर्हताएं निर्धारित हैं कि वही व्यक्ति इस बोर्ड का मेंबर हो सकता है जो या तो भारतीय प्रशासनिक सेवा में रहा है, जिसको कि बोर्ड के संचालन के नियमों कानूनों के प्रक्रियाओं के विषय में निष्णातता है, या किसी विश्वविद्यालय का कुलपति रहा है, या यूजीसी का एक्स चेयरमैन रहा है, या कोई बहुत ही भारतीय ज्ञान परंपरा का एक बहुत ही एक प्रख्यात शिक्षाविद हो, या आधुनिक विज्ञान का शिक्षाविद हो, ऐसे लोगों को रखा जा सकता है। पूज्य स्वामी जी ने भी इसी तरह के लोगों को बोर्ड में मेंबर बनाया है। मैं स्वयं भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी रहा हूं, और सेवानिवृत्ति के पश्चात पूज्य स्वामी जी के आवाहन पर और भारत सरकार की सहमति से मैंने इसके बोर्ड के संचालन के दायित्व को लिया। और इसमें आपको आश्चर्य होगा कि 18 में से लगभग 10 वाइस चांसलर मेंबर है और 5 आईआईटी के विभिन्न विषयों के प्रोफेसर, और उनमें से अगर आप सूची देखेंगे तो हमारी भारतीय शिक्षा बोर्ड सोसाइटी के जितने मेंबर हैं उसमें से 9 पद्म अवार्डेड हैं, या तो पद्म विभूषण है या पद्म भूषण है या पद्मश्री। विज्ञान में भी आप में से जिन लोगों ने फिजिक्स या पढ़ा होगा वो प्रोफेसर एससी वर्मा का नाम जरूर जानते हो, जो नई पीढ़ी के लोग हैं शायद उन्हें स्मरण होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। शायद ही कोई आईआईटी का व्यक्ति हो जो प्रवेश पा चुका हो, आईआईटीएन हो, शायद ही कोई ऐसा मिलेगा जो ये ना कहे कि मैं एससी वर्मा की किताब पढ़ करके ही एंट्रेंस पास किया हूं आईआईटी में, वो भी मेंबर है हमारे। मैंने इसलिए उदाहरण दिया कि आईआईटी के प्रोफेसर संस्कृत विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर का एक ब्लेंड, एक समन्वय हमारे विद्वानों की सभा में है भारतीय शिक्षा बोर्ड में। और इस तरह के लगभग पूरे देश से हमने 2000 विद्वानों को विभिन्न विषयों के जोड़ा है। आपके कृषि क्षेत्र के लिए 3 पद्मश्री लोग हमारे बोर्ड में हैं, उसमें भारत भूषण त्यागी जी जो पद्मश्री हैं, मुझे लगता है कुछ लोग शायद जानते होंगे, बुलंद शहर वाले आचार्य हुए, और जिनको राइसमैन ऑफ इंडिया कहते हैं डॉक्टर बीपी सिंह को, उनको भी रखा है हमने, और आंध्रा के जो रेड्डी जी हैं उनको भी हमने बोर्ड में रखा हुआ है, वो भी आए होंगे आपके यहां।
और ऐसे अनेक लोग उनके माध्यम से भी जो अन्य पद्मश्री हैं कृषि क्षेत्र में, वो भी हमारे एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर हैं। भारत के राज्यसभा के महासचिव रहे और डिफेंस सेक्रेटरी रहे योगेंद्र नारायण जी भी हमारे बोर्ड के एडवाइजरी बोर्ड में है। मैं इसलिए सब नाम दे रहा हूं कि ताकि विभिन्न क्षेत्रों के विद्वानों को हमने एक साथ एकत्रित करके और उनसे जो ज्ञान की मणि हो सकती है और भारतीय परिवेश के अनुरूप आधुनिक विज्ञान से बिना वंचित किए, बल्कि आधुनिक विज्ञान को और अधिक सही ढंग से उसकी अवधारणाओं को बच्चों के मस्तिष्क में पिरोते हुए कैसे हम भारतीय शिक्षा बोर्ड को आगे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए मैंने विद्वानों की सभाओं को चुना। इसके लिए मुझे भारत के सारे IITs में व्यक्तिगत जाना पड़ा, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में जाना पड़ा, वहां पर उन विद्वानों की कुलपति के सहयोग से बैठकें करनी पड़ी, उनमें से मुझे चयन करना पड़ा कि उनमें से कितने ऐसे लोग हैं जो हमारी धारणा के अनुरूप है। धारणा क्या है? जो ऑब्जेक्टिव लिखा है भारतीय शिक्षा बोर्ड के गठन का, ऐसा ऑब्जेक्टिव किसी बोर्ड का नहीं है। उसकी पंक्ति ये है कि यह भारत ज्ञान परंपरा से समन्वित आधुनिक विज्ञान और आधुनिक शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए गठित किया जा रहा है। ब्लेंडिंग ऑफ एंशियंट विजडम विद मॉडर्न एजुकेशन, ये इसकी बेसिक ऑब्जेक्टिव है। इस ऑब्जेक्टिव के अनुसार ही हमें अलाइंट लोग चाहिए जिनके मन में ऐसी चेतना हो, जो पूर्ण रूप से पाश्चात्य दर्शन के गुलाम हो चुके हैं, जो पाश्चात्य दर्शन के उपभोक्ता हैं, कंज्यूमर हैं, जो उपभोक्त विचारों के और उत्पादों दोनों के ही मात्र अपने को उपभोक्ता तक सीमित कर लिए हैं और उसी में बढ़तपन समझते हैं, ऐसे लोगों से हमने परहेज किया है क्योंकि वो अनावश्यक रूप से उसमें उनकी दृष्टि दूसरी है। लेकिन मैं मुझे प्रसन्नता कि भारत में विद्वानों की आजकल जब भी चर्चा किया तो मुझे लगा सबके मन में एक टीस थी, एक छटपटाहट थी कि हम सब लोग पढ़े तो ऐसी स्कूल एजुकेशन बोर्ड से हैं जिसमें भारत गायब है, लेकिन कम से कम भारत बोध के साथ भारत सरकार ने मुझे स्वामी जी की पहल पर एक बोर्ड तो खड़ा किया और उसमें हम सहयोग देने के लिए तैयार हैं। ऐसी प्रवृत्ति मैंने आम तौर पर सभी विद्वानों से देखी। अब इसको वैधानिकता देने के लिए हमने प्रयास किया कि भारत सरकार बोर्ड बनाने के साथ साथ ये भी नोटिफाई करे कि यह बोर्ड भारत के सभी नेशनल बोर्ड और स्टेट बोर्ड के इक्विवेलेंट समकक्ष है। आप में से शिक्षा जगत से भी कुछ किसान हैं क्या? इसमें आप लोग जानते होंगे इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस ऑफ बोर्ड विद अदर बोर्ड्स, ये आवश्यक होता है इंट्रा बोर्ड माइग्रेशन के लिए या किसी विश्वविद्यालयों में प्रवेश के। पहला बोर्ड ऐसा है पूरे भारत का जिसको भारत सरकार द्वारा चिन्हित अधिसूचित भारत सरकार की संस्था द्वारा पूरे देश के अन्य समस्त बोर्ड के समकक्ष एक साथ इक्विवेलेंस मिल गया है। ऐसा कोई बोर्ड नहीं इसके पहले, क्योंकि जो पहले इक्विवेलेंस होता था बोर्ड ने गठित किया भारत सरकार ने या स्टेट गवर्नमेंट ने, भी कोपसे नाम की एक संस्था है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, ओवर द उसने अपना लीगल स्टेटस पा लिया और वो इक्विवेलेंस ड्रॉ करने लगा, समकक्षता देने लगा, लेकिन भारत सरकार ने उनको कोई मैंडेट नहीं दिया। पहली बार जब हमारे बोर्ड को के सामने प्रश्न आया तो मैंने केंद्रीय मंत्री जी से अनुरोध किया, क्योंकि मैं भी प्रशासनिक सेवा में नियम कानूनों में ही गुजरा हूं 35 साल, तो मैंने कहा कि इसके लिए कम से कम एक आप गठित तो करो संस्था भारत सरकार के मैंडेट से जो इसको इक्विवेलेंस ड्रॉ करें, वरना एक प्राइवेट सोसाइटी तो किसी को भी बोर्ड बना सकती है और किसी से विड्रॉ कर लेगी।
तो उन्होंने एक नोटिफिकेशन 15 नवंबर 2021 को करके एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हायर एजुकेशन की संस्था है उसको उन्होंने नोटिफाई किया कि इन फ्यूचर दिस ऑर्गेनाइजेशन विल ड्रॉ द इक्विवेलेंस बिटवीन डिफरेंट बोर्ड्स। और उसके समक्ष हमने जो अप्लाई किया तो 3 अगस्त 2022 को सारे प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए उन्होंने मुझे एकमुश्त देश के समस्त नेशनल स्टेट बोर्ड के समकक्ष घोषित किया। इसलिए लीगैलिटी इसकी कंप्लीट है। यूजीसी ने सारे विश्वविद्यालयों कॉलेजेस को भेज दिया है, एआईसीटीयू ने सारे तकनीकी विद्यालयों को भेज दिया है, भारत सरकार के सेक्रेटरी एजुकेशन ने सारे स्टेट के चीफ सेक्रेटरीज को भेज दिया है कि ये भारत सरकार का बोर्ड है, पतंजलि योगपीठ इसको संचालित कर रही है। तो ये लीगैलिटी है। मुझे लगता है कि शायद इस पर स्पष्टता हो गई होगी। दिस इज नॉट प्राइवेट बोर्ड, दिस इज ए गवर्नमेंट बोर्ड। फंक्शनल ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइनेंशियल एंड विजन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पतंजलि योगपीठ। दूसरा प्रश्न है कि इसकी जरूरत क्यों है, जब बोर्ड बाकी इतने हैं, स्टेट बोर्ड्स भी हैं, भारत सरकार के भी अपने बोर्ड हैं, ऐसी क्यों जो जरूरत क्या पड़ेगी एक नए बोर्ड की? तो नए बोर्ड की जरूरत इसलिए पड़ी कि जो पुराने बोर्ड 100 साल से हैं, 50 साल से, 80 साल से, ओवर द टाइम एक होता है सिस्टम फिटी और सिस्टम कंडीशनिंग। लोगों के मन में, जैसे हमारे आपके मन में एक उम्र कहा जाता है कि इससे क्या मतलब है, जो एक थर्रा चल रहा है, जो मस्तिष्क में एक अवचेतन में एक जो बन गया, उसी का अनुरूप हम आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए 35-40 वर्षों से जो लोग शिक्षाविद किसी सिलेबस और पुस्तकों की डेवलपमेंट में लगे हुए हैं, उनकी अपनी एक कंजर्वेटिज्म कह लीजिए, आप एक डॉगमेटिज्म कह लीजिए, एक धारणा बन जाती है, उसके इधर उधर खिसकने में उन्हें बड़ी ताकत लगती। तो हमने जब पूज्य स्वामी जी ने प्रधानमंत्री जी के समक्ष रखा था प्रकरण, तो वहां भी बहुत सारे रेजिस्टेंसेस थे, प्रतिरोध थे, लेकिन बहुत बहस विमर्श के बाद प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि नहीं, एक बोर्ड प्रयोग के लिए ऐसा होना चाहिए और भारतीय स्तर पर उसकी लीगैलिटी के साथ होना चाहिए, जिसमें कि एक फ्रेश एयर नवोन्मेष करने की संभावना। तो नवोन्मेष की दृष्टि से कि विज्ञान पूरा हो लेकिन भारतीय ज्ञान परंपरा से वह समन्वित हो, ऐसा प्रयोग करने के लिए एक फ्रेश बोर्ड की जरूरत, एक फ्रेश एयर के लिए उन्होंने इस बोर्ड का गठन किया। और इसमें हमें कैसे इंटीग्रेट करना है, जैसे उदाहरण के लिए मैं फिजिक्स का विद्यार्थी हूं तो उसी का उदाहरण देता हूं कि जब हम 9th क्लास में विज्ञान पढ़ने आते हैं, पहली किताब खुलती है तो लॉ ऑफ इनर्सिया, न्यूटन्स लॉ, यही किताब में खुलती है। जिन्होंने भी 9th में, अधिकांश लोगों ने 9th क्लास तो पढ़ा ही होगा साइंस, तो उसमें कभी भी एक लाइन बड़े धीरे से लिखते हैं डाल्टन के परमाणुवाद के चैप्टर में कि महर्षि कणाद ने भी परमाणु अणु की कल्पना की थी, एक पंक्ति। बहुत सारे बोर्ड की किताबों में तो ये भी पंक्ति नहीं, और लॉ ऑफ इनर्सिया और न्यूटन लॉ में बिल्कुल नहीं, कहीं चर्चा ही नहीं किसी भारतीय ज्ञान परंपरा। वैशेषिक दर्शन हमारा जो है महर्षि कणाद का, वह अनेक ऐसे सूत्रों की बात करता है जिसमें न्यूटन के तीनों नियम जो 17वीं शताब्दी में माने जाते हैं, वह अब से 2500 साल पहले महर्षि कणाद ने गति के उन तीनों नियमों से भी बृहत्तर संदर्भों में अपने सूत्र दिए हुए हैं, लेकिन कभी महर्षि कणाद की उसकी चर्चा नहीं। कार्य विरोधी कर्मा, नोदन विशेष अभावात न ऊर्ध न तिर्यक गमनम, तीनों नियमों की पूरी सूत्र व्याख्या है उसकी, लेकिन उसकी कई चर्चा बच्चों को नहीं हुई। हम नहीं कह रहे कि न्यूटन लॉ नहीं पढ़ाना है, पढ़ाना है,
लेकिन बच्चों को यह भी बताना है कि 2500 साल पहले हमारे भी ज्ञान परंपरा में कोई व्यक्ति था जो यह अवधारणा पहले से सोचा हुआ है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर ये गति का नियम भारत को पहले से मालूम था, टेक्नोलॉजी क्यों नहीं हुई? टेक्नोलॉजी नहीं रही क्या गति के नियम की? धनुष की प्रत्यंचा खींचना और कितने दूर ले जाना और कितने कोण सर छोड़ना, कि जिसको जो हमारा लक्ष्य है वो कितना दूर है कि सीधा वहां उस बिंदु पर प्रहार करें, ये क्या विज्ञान, भौतिक विज्ञान और गति के नियम और मैथमेटिक्स के अलावा संभव है क्या? पुरानी जो व्यवस्था थी सिंचाई की, रहट की, आप बहुत सारे लोग जानते होंगे, किसान है से, अगर मैं तो वाराणसी का रहने वाला हूं तो वहां तो मैंने बहुत रहट देखी थी बचपन में। क्या कहते हैं? अच्छा अच्छा रहट। तो वो सिस्टम अगर पूरा देखिए तो क्या गति के नियम के बिना चलता है क्या? पहले जो गन्ने की पेराई होती थी छोटे छोटे कोल्हू में, वो चक्रीय गति हो करके जिस तरह से गन्ने का रस निकलता था, वो क्या बिना गति के नियम के चल रहा था क्या? तो जो हमारे यहां जिस लेवल की टेक्नोलॉजी की जरूरत थी वो टेक्नोलॉजी के विषय में हम प्रयोग करते थे। जब जनसंख्या बढ़ती है, आवश्यकताएं बढ़ती हैं, तो तकनीक की और अधिक जरूरतें पड़ती हैं, उसके अनुसार आविष्कार होते हैं। लेकिन हम ये कहें कि जब एक 9 अरब लोगों की जनसंख्या को खाना देने के लिए और उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उनके मकान के लिए जिस टेक्नोलॉजी की जरूरत आज है, क्या वह 20-25 करोड़ की आबादी के लोगों के लिए भी, 10 करोड़ की आबादी के लोगों के लिए भी क्या उतनी जरूरत रही होगी? नहीं रही होगी। वो प्रसन्न थे खेती करके, स्वच्छ जल, स्वच्छ अन्न, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, पशु गाय के दुग्ध, गाय के प्रोडक्ट, प्रसन्न थे लोग। उन्हें जरूरत क्या थी दुनिया भर के इंडस्ट्रियलाइजेशन और झंझट पैदा करने? मैथमेटिक्स, गणित का जो नियम है, नंबर सिस्टम, हम लोग पढ़ते हैं कि अरबिक सिस्टम है, पूरा यूरोप इसको कहता है अरबिक न्यूमरल सिस्टम, हम लोग इसको इस रूप में बोलते हैं। जबकि अरब के ही लोग, अलबर्नी से लेकर अनेक लोगों ने बार बार ये लिखा है अपने संस्मरणों में, लेखों में, यह नंबर सिस्टम भारत से आया, अरब में, अरब से गया ग्रीक में, इसलिए यूनानी उसको कहते थे अरब सिस्टम, तो उन्हें अरब से मिला था। लेकिन अरब ये मानता है कि हम इसको भारत से लाए, लेकिन ये बच्चों को पुस्तकों में महिमा नहीं दी जाती। आर्यभट्ट को, ब्रह्मगुप्त को, भास्कराचार्य को, बारामहीर को, नारायणा पंडित को जो महत्व मिलना चाहिए गणित की दिशा में प्रगति के लिए, वो हमारे बच्चे उनके नाम भी एक दो जानते हैं, बाकी उनके पूरे सिद्धांत और उनके विषय में कोई जानकारी नहीं। खगोल विज्ञान, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये सबसे पहले किसने बताया? तो हम पढ़ते हैं जो किताबों में आज तक पढ़ रहे हैं कि कोपरनिकस, केपलर, गैलीलियो ने बताया। कम उम्र के भी कुछ लोग दिखाई पड़ रहे हैं, शायद उन्होंने पढ़ा हो, बेटी ने शायद पढ़ा हो, केपलर, कोपरनिकस, गैलीलियो ने बताया। वह कोपरनिकस हिम्मत नहीं कर पाया अपना रिसर्च प्रस्तुत करने के लिए 16वीं शताब्दी में, क्योंकि क्रिश्चियनिटी के न्यू टेस्टमेंट में लिखा है कि सूरज पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, इसलिए वो साहस ही नहीं कर पाया कोपरनिकस। उसने कहा अपने शिष्य से कि मेरे मरने के बाद मेरा प्रकाशित कर देना, ले वरना मुझे सजा मिल जाएगी चर्च से। तो उसके मरने के बाद उसके शिष्य ने प्रकाशित किया, जब उसको गैलीलियो ने आगे बढ़ाया तो गैलीलियो को सजा मिल गई, जब ब्रूनो ने उसको कहना शुरू किया तो ब्रूनो को सजा मिल गई, जला दिया गया उसको। यू आर टॉकिंग अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी, आप तो रिलीजन के खिलाफ बोल रहे हो।
क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि ईसाइयत में लिखा है बाइबल में कि सूरज घूमता है पृथ्वी के चारों ओर, तो वही सच है, धीरे धीरे मान्यता है। लेकिन अब इसको देखिए हमारे भारतीय दर्शन में, जिसको कि अंग्रेज कह गए तो अवैज्ञानिक दर्शन है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में अनेक मंत्रों में ये बार बार लिखा हुआ है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और अपनी कक्षा में घूमती है, ये भी लिखा हुआ है एक मंत्र। और ये भी लिखा हुआ है कि थोड़ा कुंवड़ वाले मनुष्य की तरह झुक करके चलती है, जो हम बात करते हैं आज 22-23 डिग्री, तो डिग्री नहीं लिखा है लेकिन कुंवड़ की तरह मुड़ करके चलती है। ये सिंबॉलिकली है, ये बच्चों को नहीं मालूम है कि हजारों साल पहले ऋग्वेद में खगोल विज्ञान था। उन्हें नहीं मालूम है कि सूर्य से पृथ्वी तक आने की सूर्य की गति का श्लोक मंत्र भी ऋग्वेद में, और आज जब उसको हमने डिटरमाइन किया कर रहे हैं, लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली वही निकल रहा है जो मॉडर्न साइंस का। बौद्ध दर्शन में 10^56 तक के गणित की चर्चा है, लेकिन हम उसको नहीं महिमा देते। जैन के गणित सार सूत्र में तमाम तरह के गणित की बहुत ही जटिल जटिल उनके गुणा भाग का एक फार्मूला है, जिसके तहत आप सेकंड बिना कंप्यूटर के कर लेंगे 11-11 अंकों के गुणा भाग, उसकी नहीं चर्चा है। हमारे ज्यामिति का किसने आविष्कार किया? आप सभी लोग कहेंगे पाइथागोरस, ये पढ़ाया गया। तो क्या पाइथागोरस से पहले ज्यामिति नहीं थी क्या? इंडस संस्कृति सिंधु सभ्यता, जो 500 जगहों पर जिसके विषय में रिसर्च हो गए हैं, सैकड़ों साइट्स हैं भारत में, जिसमें कि बहुत ही वेल डिजाइंड अर्बन डेवलपमेंट है, नगरी विकास का बहुत ही एक बहुत बढ़िया सुनियोजित स्वरूप है, उसमें मेजरमेंट के सारे सिद्धांत हैं, जितनी भी गलियां हैं समान चौड़ाई समान लंबाई की है, बहुत प्लान। और वहां पर वेदिकाएं मिली हैं यज्ञ करने की, और अलग अलग तरह के ज्यामितीय स्वरूप हैं, उसके अलग अलग ज्योमेट्रिकल शेप। और इसको कैसे आया? जो ईसा के 1,500-2,000 साल पहले संस्कृत सिविलाइजेशन, लेकिन हम पाइथागोरस पैदा हुआ ईसा के 400 साल पहले, लेकिन उन्होंने कह दिया हमने मान लिया और उसी को याद करना, हमने बौधायन के शुल सूत्र को याद ही नहीं किया। बौधायन का जो शुल सूत्र है, ज्योमेट्री की जितनी भी बातें पाइथागोरस कहता है वो बौधायन के शुल सूत्र में मिलता है, लेकिन उसकी कोई चर्चा हम नहीं करते हैं अपनी पुस्तकों में। तो अंततः मैं बहुत विस्तार नहीं दे रहा हूं, इस तरह के दो उदाहरण दूंगा तो मैं दिन भर लग जाएगा मुझे हर विषय के। संगीत नाटक में अगर उदाहरण दें तो लोग कहते हैं ना कि पाश्चात्य से आया संगीत, हम तो असभ्य थे, अंग्रेज ही कहते हैं कि हम तो इनको सभ्य बनाने गए, और उनसे कौन बताए कि भरत मुनि का नाट्य शास्त्र पूरे विश्व का पहला प्राचीनतम समावेशी ग्रंथ है संगीत कला नाटक विधाओं के बारे में, सारी दुनिया ने उसकी नकल की लेकिन उसकी कहीं चर्चा नहीं। हम गायन के विषय में गीतों के विषय में बहुत पढ़ते हैं तो कहते हैं कि वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि का जो गीत है क्रौंच पक्षी की करुणा के देखकर कि वो पहला गीत है, हमें भूल जाते हैं कि ऋग्वेद के सभी ऋषियों को कवयह कहा गया है, कवयह क्रांत दर्शिना। हमारे ऋग्वेद के समस्त मंत्र भी गीतात्मक भाषा में ही है, गीतों की भाषा।